भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के अंतर्गत रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत 3 दिवसीय भ्रमण पर अरुणाचल की छात्र छात्राओं का दल अजमेर आया। इस दौरान उन्होंने अजमेर के विभिन्न जगहों का दौरा भी किया। सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर अपने दौरे से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई, जहां आकर उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि अजमेर में विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें और धार्मिक स्थल देखकर अच्छी अनुभूति कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अरुणाचल से, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं राजस्थान, तो यहाँ वेदर भी अभी शायद हम लोग सही समय में आया है, तो इतना भी गर्मी नहीं है। हमारे वहाँ भी गर्म समय में इससे ज़्यादा गर्मी रहता है, तो बहुत सारा जगह भी घूम लिए हैं ये 3 दिन में। अलग अलग जयपुर गए थे, फिर अजमेर आ जाए है, कल को किशनगढ़ भी गए थे। बहुत सुंदर सुंदर जगह देखा है, बिल्डिंग्स बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा सुंदर फोर्ट देखने को मिला है, आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ ईस्टर्न तरफ में मेरा ख्याल से हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो बहुत खूबसूरत है ये जगह। हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे, उससे बहुत अलग है, हमें तो रेगिस्तान देखने को नहीं मिला है आके। तो जी हाँ, आके हम लोग स्टूडेंट 15 है और 2 फैकल्टी मेम्बर्स आए हैं नेरिस में से। क्या उद्देश्य मैडम यहाँ आके? हम लोग यहाँ के कल्चर जानना है, ये बेसिकली एक्सचेंज प्रोग्राम है हमारा भारत सरकार के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट इसे चला रहे हैं, तो हम यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आए हैं, यहाँ के कल्चर जानने के लिए, यहाँ के ट्रेडिशन सब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत कल्चरल एक्सचेंज के तहत देश के अलग अलग दिशाओं की तरफ से लोगों को अलग अलग क्षेत्र में भेजा जा रहा है, ताकि उनका भारतवर्ष के अंदर अलग अलग कल्चर्स को समझने की जानकारी मिल सके। उसी क्रम के अंदर हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अरुणाचल का एक दल आया है, और उस दल ने आज विज़िट किया है, हमारे अजमेर के अंदर भी विज़िट किया है, तो आज हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ, बहुत खुशी हुई। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरा मानना है कि जो उनका आज विज़िट हुआ है, जो एक्सपोजर का विज़िट हुआ है, उससे उनकी पर्सनैलिटी के अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और आगे आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।